एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रहा है पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। जी हाँ, पावर स्टार पवन सिंह ने जब से आसनसोल का टिकट ठुकराया है, तब से कयास लगाया जा रहा था कि पावर स्टार पवन सिंह को दूसरा टिकट यानी कि दूसरी जगह जो मिलेगा वो है आरा मिलेगा। और ऐसे में भैया आरके सिंह ने खुलेआम चुनौती दे दिया, यानी कि अपना दावेदारी पेश कर दिया कि भैया लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, वहीं से लड़ेंगे जहां से पहले से हैं, यानी कि आरा से आरके सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में पावर स्टार पवन सिंह का क्या होगा? क्या पावर स्टार पवन सिंह का चुनावी सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया क्या? क्या पवन सिंह अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? पवन सिंह का कैरियर खत्म हो चुका, चुनावी कैरियर? ये कई सारे सवाल सोशल मीडिया पर गूंज रहा है। लेकिन अब एक्सक्लूसिव खबर आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पावर स्टार पवन सिंह बीजेपी का दामन छोड़ सकते हैं। जी हां, पवन सिंह को टिकट चाहिए आरा से, लेकिन आरा से बीजेपी टिकट देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहां से आरके सिंह को टिकट दिया जाएगा। और ऐसे में अब खबर आ रही है कि पावर स्टार पवन सिंह जो जी हैं वो अब बीजेपी का दामन छोड़ के, यानी कि जो उनका 9 सालों का जो सफर है वो अब छोड़ देंगे और वो अब ज्वाइन करने वाले हैं बिहार के पार्टी यानी कि आरजेडी, लालू प्रसाद यादव के पार्टी आरजेडी को ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक्सक्लूसिव खबर सामने आ रही है कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से यानी कि उनकी पार्टी आरजेडी की तरफ से वो आरा में चुनाव लड़ेंगे, यानी कि एक बार फिर से वो आरा से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बार बीजेपी का सिंबल नहीं होगा बल्कि सिंबल होगा ललटेनिया। जी हाँ, यानी कि कमल का दामन छोड़ के वो ललटेन का सहारा लेते हुए पावर स्टार पवन सिंह नजर आ सकते हैं। जी हाँ, ये एक्सक्लूसिव खबर सोशल मीडिया पर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आरके सिंह ने दावेदारी पेश किया है कि आरा से वो चुनाव लड़ेंगे, तो भैया पवन सिंह कहां जाएंगे? तो कहीं ना कहीं पवन सिंह अपना रास्ता चेंज करके आरजेडी के पक्ष में जाएंगे और आरजेडी से ही वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि इस पर अभी तक कोई भी ऑफिशियली बयान नहीं आया है, ना ही पावर स्टार पवन सिंह की तरफ से ऑफिशियली बयान आया है कि पावर स्टार पवन सिंह आरजेडी का दामन थामेंगे कि नहीं थामेंगे, ना ही आरजेडी की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियली बयान आया है और ना ही बीजेपी की तरफ से भी अभी तक कोई ऑफिशियली बयान आया है कि पावर स्टार पवन सिंह को अब दोबारा टिकट नहीं दिया जाएगा। आप सोचने वाली बात है कि आखिरकार पवन सिंह का कैरियर क्या होगा? जी हाँ, पवन सिंह का चुनावी कैरियर क्या होगा? क्या शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है? क्या पवन सिंह इस बार सांसदी का चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या सोचते हैं? कुछ भी सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।